हेलो एवरीवन, तो आई एम शंभु कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर बीएससी का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमने पिछला, अच्छा इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि आप नए हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना लेट किए भी स्टार्ट करते आगे करते हैं। तो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हमने बताया था लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो उसमें बताया गया था बहुत सारे थे, हमने लिमिटेशन को बताया था कि जो उसने स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन किया था तो उनमें सिर्फ हाइड्रोजन को ही कर पाया था, बाकी अदर आइटम को नहीं कर पाया, फिर हाइड्रोजन लाइक जैसे हो गया एच ई प्लस एल आई टू प्लस, बस उतना ही कर पाया था। फिर स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको भी नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज हम अगला लेक्चर को देखते हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली रिलेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, कुछ डी ब्रोगली के रिलेशन के बारे में हम जान लेते तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट के दौरान बोला गया था कि स्टेटमेंट दिया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है, जो कि बोर्स के द्वारा ये सब नहीं किया गया था। बोर्स ने सिर्फ बोला था कि पार्टिकल नेचर शो करता है, लेकिन इसमें भी वेव नेचर को भी शो करता है। तो चलिए हम टॉपिक को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन या फिर इसे हम एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली के नाम से जान सकते हैं। तो चलिए, इसमें जो हमने बता दिया, पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन शो करता है वह पार्टिकल्स के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करता है। एग्जांपल में यदि देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह पार्टिकल के साथ साथ वेव को भी शो करता है। तो चलिए देखते हैं आगे, तो लिख लेते हैं इसको। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डुअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एच इलेक्ट्रॉन को हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के नाम से जान सकते हैं। जिसने बताया कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट इज या फिर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ड्यूअल बिहेवियर की तरह शो करता है। तो और आगे लिख लेते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डी ब्रोगली एक्सप्लेन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन द एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एच ड्यूअल कैरेक्टर दैट इज पार्टिकल्स एंड वेव नेचर। यदि हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिहेव एज ड्यूअल कैरेक्टर। दैट इज वेव कैरेक्टर पार्टिकल्स
पार्टिकल्स नेचर एंड वेव नेचर तो जो एक्सप्लेन था कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल डी बुगली एक्सप्लेन द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दी एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ड्यूअल कैरेक्टर एंड पार्टिकल्स वेव नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेव जो करता है वह किसके साथ करता है, लगभग वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बिहेव करता है वह वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद हम आगे यदि लिखेंगे और तो देख लेते हैं कि जो दिस रिलेशनशिप गिवन दिस रिलेशनशिप डुअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स किसके द्वारा दिया गया था, डी बुगली के द्वारा दिया गया था। दिस रिलेशनशिप ड्यूअल बिहेवियर एज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गिवन बाय डी बुगली हमेशा ध्यान रखिएगा कि डी बुगली लिखने से पहले जो डी रहेगा वह स्मॉल लेटर में रहेगा, बाकी बाद जो बी स्टार्ट होगा वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दिस रिलेशनशिप इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गिवन बाय डी बुगली इज नाउ एज डी बुगली रिलेशन, उसे हम डी बुगली रिलेशन के नाम से जानते हैं, इज नाउ एज डी बुगली रिलेशन अब जो इसका स्टेटमेंट दिया गया था वह देखिए क्या था। अकॉर्डिंग टू डी बुगली रिलेशन वेवलेंथ जो होता है वेवलेंथ यानी लैम्ब्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो मोमेंटम का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम का। तो अकॉर्डिंग टू डी बुगली रिलेशन वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स किसका मोमेंटम का, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स मोमेंटम तो इन्हें बताया कि जो डी बुगली के द्वारा दिया गया था वेवलेंथ जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम का। तो यदि हम इसका रिलेशन लिखते तो हो जाएगा वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय मोमेंटम, और यदि हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आएगा मेरा लैम्ब्रा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो स्टूडेंट जो इसको हम इक्वेशन अभी नहीं लेते हैं, और यहाँ पर जो यार वीडियो को पॉज करके लिखिए आप समझिए। वेयर लैम्ब्रा इज वेवलेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड जो यहाँ पर एच को शो करते हुए एच क्या है, एच है पलेंस कॉन्स्टेंट एच बराबर पलेंस कॉन्स्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद जो आया वही प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है, और जो पी है वह है मोमेंटम तो चलिए आगे और देखते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि वी नो दैट यदि हम यहाँ था मेरा रिलेशन था कि लैम्ब्रा इज इक्वल टू एच बाय पी,
यदि हम पी के स्थान पर लिख सकते हैं एम भी, क्योंकि जो पी बराबर होता है वह मास इंटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम पी बराबर एम बाय वी। तो चलिए वी नाउ दैट पी बराबर एम इंटू वी, तो इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन पुट करते हैं लैम्डा बराबर एच बाय एम भी, जहाँ पर एम है मास ऑफ बॉडी, चाहे मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एम बराबर मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड वी है ऑफ वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यदि हम इक्वेशन टू ले लेते हैं, इसको सब जितना भी हम चलेंगे इक्वेशन के बेसिस पर चलेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हम जानते हैं कि जो आइंस्टीन ने कुछ इक्वेशन दिया था जिसे ई बराबर एम सी के स्क्वायर के नाम से जानते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, और उसमें जो वह मास और वेलोसिटी या फिर लाइट के स्पीड के बारे में बताता है कि जब कोई बॉडी एक या फिर मास के साथ बॉडी चलता है तो वह इस अपने साथ एनर्जी को भी रिलीज करता है, फिर लेते जाता है। तो जितना भी वह स्पीड में कोई बॉडी चलेगा उसके साथ साथ एनर्जी का भी रिलीज होता है। तो वही दिया था, जो ये का फॉर्मूला दिया था एम सी स्क्वायर, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था फॉर्मूला। तो नाउ दैट वी नाउ दैट मास एनर्जी रिलेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन मास एनर्जी रिलेशन तो ये बराबर एम सी स्क्वायर। यदि हम इक्वेशन कितना माने थे, तीन माने थे, यहाँ पर होगा इक्वेशन थ्री। तो चलिए इक्वेशन टू को यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, क्योंकि इसका जो जरूरत पड़ेगा वह तुरंत पड़ेगा। इक्वेशन टू में था लैम्डा बराबर एच बाय एम भी, ये था इक्वेशन टू। तो चलिए यदि हम उसके बाद यहाँ पर जानते कि वेयर ई बराबर एनर्जी ऑफ बॉडी और फिर एम बराबर मास ऑफ बॉडी और फिर पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो चलिए, और जो सी है वह स्पीड ऑफ लाइट है, सी को हम स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो चलिए यदि हम उसके बाद एक और नाम से जानते हैं कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट था उसका भी कुछ रिलेशन था, तो अकॉर्डिंग टू वी नाउ दैट, फिर से वी नाउ दैट लिखेंगे, वी नाउ दैट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट ई बराबर एच बाय वी होता है, जहाँ पर एच मेरा है प्लैंक्स कांस्टेंट चलिए इसको इक्वेशन फोर ले लेते हैं, और जो वी है वह है फ्रीक्वेंसी वी आ जाता है वह फ्रीक्वेंसी होता है, री है वह इको एनर्जी के रूप में लिखते हैं। तो यदि हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर को, तो यहाँ से मेरा ई और ई दोनों इक्वल है राइट साइड में, तो एम सी स्क्वायर और एच बी को हम रिलेशन करेंगे। तो चलिए यहीं पर मैं साफ करके लिखते हैं,
कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4। स्टूडेंट यदि हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को यदि हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से ई और ई हटेगा और उसके बाद एम सी स्क्वायर और एच बी में इस तरह कुछ रिलेशन दे दिया जाएगा, एम सी स्क्वायर बराबर एच बी। और हम जानते हैं कि जो भी बराबर होता है वह सी बाय लेमड़ा होता है, तो यदि हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाय लेमड़ा, तो सी सी कटेगा, अब बचेगा एम सी बराबर एच बाय लेमड़ा। और यदि हम लेमड़ा को निकालेंगे एच बराबर लेमड़ा बराबर एच बाय एम सी। और यदि हमको प्रूफ करने बोला था कि लेमड़ा बराबर एच बाय एम वी, तो इसमें भी एम वी तो है नहीं सी है, तो इसके बाद में यदि हम सी को रिप्लेस करेंगे वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के साथ चेंज कर सकते हैं, क्या कि स्पीड ऑफ लाइट भी ई वी होता है और ई वी स्पीड के ही बारे में वेलोसिटी बताता है। तो उसके बाद में यदि हम इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे लेमड़ा बराबर एच बाय एम वी, तो इस प्रकार का जो रिलेशन कुछ आएगा वह इसे मैच करेगा और इसी को हमको प्रूफ करने बोला था। तो चलिए इसको आगे लिख लेते हैं कि नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच वी, वेयर नाउ वी बराबर सी बाय लेमड़ा, तो पुट द वैल्यू वी इन इक्वेशन 3 and 4, इसको पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाय लेमड़ा, एच सी बाय लेमड़ा, यहाँ से सी सी कटेगा, उसके बाद जो मेरा रिलेशन आएगा कुछ वह आएगा, देखते हैं क्या आएगा, एफ जी बराबर एच बाय लेमड़ा। और यदि हम लेमड़ा को निकालते हैं मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो लेमड़ा बराबर एच बाय एम सी, और मेरा हो गया रिलेशन यह। तो चलिए उसके बाद में यदि हम नाउ आई कैन रिप्लेस सी इज किस में, सी इन वी में, तो आई रिप्लेस नाउ सी इज रिप्लेस बाय वी। नाउ सी जो शो करता है वह स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है, एंड वी भी जो और वी स्पीड को ही शो करता है, और वी स्पीड को ही शो करता है, तो इसलिए हम लेमड़ा बराबर एच बाय सी के जगह स्थान पर हम वी को पुट कर सकते हैं। तो जो ये मेरा इक्वेशन बना और बन गया लेमड़ा बराबर एच बाय एम बी। तो जो हमको प्रूफ करने बोला था रिलेशन में कि लेमड़ा बराबर एच बाय एम बी, तो हमने ये प्रूफ किया। इट इज रिलेशन बिटवीन, इट इज रिलेशनशिप इच रिलेशन सिप इच डी बोगली रिलेशन, डी बोगली रिलेशन। तो चलिए आज का लेक्चर को, और यदि हम इसका कुछ लिख लेते हैं तो यदि यहाँ पर हो जाता है कि जो लेमड़ा है वह है वेवलेंथ, और जो एच है वह प्लस कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो एम है वह है मास, और वी है वह वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप समझ चुके होंगे जो हमने बताया। तो अगला क्लास में हम फिर बात करेंगे अदर फॉर्म ऑफ किसका में डी बोगली, अदर फॉर्म इक्वेशन ऑफ डी बोगली रिलेशन, फिर उसका सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए जो लेक्चर आज को हम यहीं समाप्त करते हैं, आप समझेंगे अच्छा लगा, तो चलिए समझिए देखिए।